एवरीवन, कैसे हो आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। यहां पे आज मैं आपके साथ रिव्यू शेयर करने वाली हूं लाइफ लॉन्ग कंपनी की थ्री बर्नल गैस स्टोव का। और इससे पहले मैंने एक और रिव्यू कर चुका है, वो भी आप मेरे चैनल पे चेकआउट कर सकते हो। वो है प्रेस्टीज का थ्री बर्नल स्टोव। और आप देख सकते हो ये कार्टन बॉक्स काफी ज्यादा मजबूत है और प्रॉपर तरीके से इसमें सारे इंस्ट्रक्शन वगैरह मेंशन है। इसका मॉडल नंबर है LLGS303। तो चलिए इससे पहले अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं इसके अंदर हमें क्या क्या मिलने वाला है। तो गाइस, कुछ इस तरीके से बॉक्स में ये हमें डिलीवर होता है। देख सकते हो इसके बर्नल के ऊपर प्रॉपर इसने एक थर्माकोल वगैरह लगा के इसको सेफ कर रखा है, ताकि इसके कांच की जो प्लेट है वो बिल्कुल ख़राब ना हो। यहाँ पे बटन्स के पास भी प्रॉपर थर्माकोल्स लगे हुए हैं। तो चलिए इसे निकाल के देखते हैं और देखते हैं हमें किस कंडीशन में ये मिला है। तो गाइस, इसे हमने अनबॉक्स कर लिया है और इस तरीके से कंडीशन में हमें कुछ ये मिलता है। और सबसे अच्छी चीज़ मुझे इसकी बहुत अच्छी लगी कि कुछ इस तरीके से केबल टाई वगैरह से इसे लॉक किया गया है, जिससे कि ये बर्नल वगैरह बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होंगे। एंड इसके साथ हमें मिल जाती है ये वारंटी कार्ड, और इसके साथ हमें मिलता है ये यूज़र मैनुअल, और हमें साथ में एक और मिलता है जिसमें लिखा होता है कि 6 मंथ्स एक्सटेंड वारंटी यदि आप अपना एक्सपीरियंस वगैरह शेयर करते हो इनके साथ। इनकी मेल आईडी वगैरह मेंशन है, और तो आपको 6 मंथ्स की एक्सटेंड वारंटी इसमें मिल जाती है, यानी आपको टोटल मिल जाती है इसमें 1 ईयर 6 मंथ्स की वारंटी। तो कुछ इस तरीके का लीनियर टाइप का आपको प्रोडक्ट मिलने वाला है। ये कुछ इस तरीके से आपको बर्नल वगैरह में टाई अप लगी हुई है, और ये आपको आप देख सकोगे कि ये एकदम लीनियर है। मोस्ट ऑफ दी जो मैंने पहले स्टोव देखे हुए हैं उसमें क्या होता है, एक बर्नल यहाँ पे होता है, एक बर्नल इधर और एक बर्नल इधर, जिससे कि उसकी चौड़ाई बढ़ जाती है। बट इसको बिल्कुल लीनियर रखा गया है, जिसकी वजह से इसकी चौड़ाई काफ़ी कम है और आपको सिर्फ बहुत ही छोटी सी चौड़ाई मिल रही है। बहुत पतला सा स्टोव आपको ये मिल रहा है। आगे आपका गैस रखने के बाद ये काफी अच्छा खासा स्पेस इसमें बच जाता है। तो गाइस, यहाँ पे हमें कुछ कॉशंस मिल जाते हैं जो कि हमें फॉलो करने होते हैं। इसमें लिखा हुआ है द कुक टॉप ग्लास इज टफ एंड बट ब्रेकेबल एंड शुड बी हैंडल्ड केयरफुली। तो जैसा कि मैं पहले से ही इस तरीके का प्रोडक्ट यूज करती आई हूँ, तो हाँ, बहुत ज्यादा गर्म या ऐसा कुछ गर्म चीज हम इस पे नहीं रखते हैं, थोड़ा केयरफुली इसे यूज करना होता है। एंड इसका जो ग्लास है वो ब्रेक हो सकता है यदि एक्सट्रीम लेवल पे टेम्परेचर इसे मिलता है और बहुत ज्यादा गर्म चीज इसके ऊपर कोई रख दी जाती है, तो तब ये ग्लास ब्रेक हो सकता है। वैसे मैं 4 साल से यूज कर रही हूँ प्रेस्टीज का, उसमें अभी तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। और आपको इस स्टोव के साथ कोई भी तंदूर टाइप का आइटम यूज़ नहीं करना है। जो बंद वाले गैस वाले तंदूर होते हैं वो आइटम इसके साथ यूज़ नहीं करने हैं, और ये स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस है कि आप इसको बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते। एंड इस ग्लास के ऊपर आप पानी नहीं डाल सकते, जबकि आपका ये जो गैस है वो गर्म है, उस टाइम पे आप इसके ऊपर कोई भी पानी यूज़ नहीं करेंगे। एंड बेकिंग के लिए आपको इस गैस स्टोव को यूज़ नहीं करना है, क्योंकि ये ग्लास को डैमेज कर सकता है। एंड इसकी जो वारंटी है वो इसके कांच के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती है। यदि इसका कांच टूट जाता है तो उस पर वारंटी वर्क नहीं करेगी। तो गाइज, ये देख सकते हो कुछ इस तरीके का बर्नल हमें इसके अंदर मिलने वाला है, और क्वालिटी जैसी सारे बर्नल्स की होती है उसी तरीके की क्वालिटी है। इसका स्टैंड भी उसी तरीके है जैसे हम पहले से यूज करते हैं। क्वालिटी अच्छी लग रही है मुझे इसकी। एंड इसका ये जो बेस है, ये इसका स्टील का बेस आपको मिल जाता है, ये भी काफी मजबूत है। इस गैस की जो सबसे अच्छी खासियत मुझे ये लगी है ये कि ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट, थोड़ा चौड़ाई इसकी बहुत कम है और लंबाई इसकी ज़्यादा है। लाइक अपनी गैस के प्लेटफॉर्म पे जब हम इसे रखते हैं और ये गैस को हम साइड से सटा के रखते हैं, तो आगे हमें काफ़ी अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है। लाइक हमें रोटी वगैरह सेकनी है, हमें अपना ओरसा वगैरह रखना है जिसपे हम रोटी सेकते हैं, बेलते हैं सॉरी, तो वो सारी चीज़ें रखने के लिए हमें आगे काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है। इसका साइज हम मुझे काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट और एलिगेंट लग रहा है। चलिए देख लेते हैं ये हमें पीछे से किस तरीके का दिखता है। पीछे से आपको कुछ इस तरीके का अटैचमेंट मिल जाता है। इसमें मिल जाता है आपको ऑटोमेटिक इग्निशन का सिस्टम, जिससे कि आपको लाइटर वगैरह यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और इस तरीके का अटैचमेंट आपको तीनों में मिल जाता है। जैसे ही आप इस बटन को स्विच करते हो तो टक की आवाज होती है और आपकी गैस जो है ऑटोमेटिक जल जाती है। पीछे जो हमारा ग्लास लगा हुआ है टफ एंड ग्लास, इसके नीचे साइड में हमको एक बेस मिल जाता है। इस बेस के ऊपर ये एक पतली सी लेयर लगी हुई है, या एंटी हीट लेयर इस तरीके की लेयर है आई थिंक ये। और ये मेटल पार्ट भी काफ़ी अच्छा है, तो मुझे तो ये काफ़ी मजबूत लग रहा है। लुक एट दिस,
बात करी जाए कुछ स्पेसिफिकेशंस की, तो आपको यहाँ पे कुछ स्पेसिफिकेशंस मेंशन दिख रही होंगी, जिसमें कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये इसमें इसका मॉडल नंबर, इसका नंबर ऑफ बर्नर्स, स्मॉल बर्नर का साइज, बिग बर्नर का साइज और सीरियल नंबर, ये सारी चीजें इसमें मेंशन है। इस तरीके के ग्लास स्टोव की मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है एक खासियत, वो ये है कि जब भी आप इसको क्लीन करना चाहते हैं किसी भी एक गीले कपड़े से, आप इसको हल्का सा ऐसे वाइप करेंगे और ये पूरी तरीके से क्लीन हो जाता है। इसे क्लीन करने में हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो ये रहा गाइज आज का इसका रिव्यू, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मैंने सारी चीजें कवर कर दी हैं इसमें, यदि कुछ भी छूट गया है तो आप कमेंट बॉक्स से कमेंट करके पूछ सकते हो। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके वारंटी गारंटी, इसके यूजर रेटिंग की और इसके प्राइस की। इसको मैंने परचेज किया है अमेजोन से और इसका प्राइस मुझे पड़ा है 2119 रुपए, तो अकॉर्डिंग टू प्राइस ये मुझे काफी ज्यादा अफोर्डेबल लगा है। अब बात कर लेते हैं गाइस इसके यूजर रेटिंग की, तो अमेजोन पे इसे रेट किया गया है 4 स्टार, और आप बात करें यदि मेरी पर्सनल रेटिंग की तो मैं भी इसे दूंगी 4.5 स्टार आउट ऑफ 5, क्योंकि ये मुझे प्रोडक्ट काफी ज्यादा अच्छा लगा है। अकॉर्डिंग टू प्राइस इसका जो क्वालिटी है वो काफी ज्यादा अच्छी है। सबसे अच्छी चीज मुझे जो इसमें लगी है इसका साइज जो है वो काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट है। इसका डिजाइन भी बहुत अच्छा है जिसमें हमें प्लेटफॉर्म पे काफी ज्यादा स्पेस काम करने के लिए मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं वारंटी की, तो इसके साथ आती है 1 साल की वारंटी, और यदि आप इसकी अपना रिव्यू शेयर करते हो अमेजोन पे और वो स्क्रीनशॉट शेयर करते हो आप लाइफ लॉन्ग कंपनी के साथ, जो कि इसमें मेंशन है किस तरीके से आपको करना है, तो 6 मंथ्स की एक्स्ट्रा एक्सटेंड वारंटी आपको मिल जाती है, यानी कि आपको इसमें मिल जाती है 1 साल 6 महीने की वारंटी। बट इस वारंटी में आपका ये ग्लास कवर नहीं होता है, यदि ये ग्लास इसका ब्रेक होता है किसी भी वजह से तो वो वारंटी के अंदर नहीं काउंट होता है। और इस तरीके की गैस को किस तरीके से सेफ्टी के साथ यूज करना है ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, तो आपको इन सारी चीजों को ध्यान रखते हुए ही इसको यूज करना है, क्योंकि ग्लास स्टोव किसको नहीं अच्छे लगते, इस तरीके के स्टोव बहुत ही ज्यादा क्लासिक और बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते हैं, बट उसके साथ साथ इसे सेफ्टी से हमें यूज भी करना पड़ता है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, सेफ्टी से यूज कीजिएगा और ये जो स्टोव है आपका काफी लंबा चलने वाला है। इसे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलती हूँ गाइस आप लोगों से किसी अनदर अच्छे से प्रोडक्ट के साथ, और तब तक के लिए लेती हूँ विदा, बाय।